हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ राम स्वरूप जानी और आप देख रहे हैं आपका स्टडी चैनल RS एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो की सेशन में मैं आज बात करने वाला हूँ इंग्लिश क्लास नंबर 5 और ये क्लास होगी स्टूडेंट्स हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड की। और स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। उसका रीज़न ये है कि आज हम केवल सिलेक्टेड 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड की बात कर रहे हैं जो अक्सर एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है, चाहे वो नेवी SSR हो, चाहे एक्स ग्रुप हो, चाहे वाई ग्रुप हो, चाहे आपका कोस्ट गार्ड हो। तो स्टूडेंट्स, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन वन वर्ड के रूप में मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ, तो सारे के सारे वन वर्ड है। मैं इसको कहूँगा कि आप उनको रट डालो, कैसे भी करो आप उनको तैयार कर लो, नेक्स्ट एग्जाम में आप उनमें से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो स्टूडेंट्स, अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं, आपको वन वर्ड के लिए यहाँ पे स्टेटमेंट मिलेगा और सामने वन वर्ड मिलेगा और उसका फिर हिंदी मीनिंग भी साथ में मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जो आपको हेल्प करने वाला है काफ़ी ज़्यादा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले नंबर वन की बात करते हैं। फर्स्ट आपका जो एंटोनिम है उसकी, सॉरी वन वर्ड है उसकी बात करते हैं। तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला ये मोस्टली क्लियर। देखिए जो चीज़ होगी वो क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि स्टेट ऑफ बींग अनमेरिड, और ये क्वेश्चन मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट करवाया था, उसमें अलग था वो, बट इससे थोड़ा रिलेटेड था। वो क्या है, देखिए स्टेट ऑफ बींग अनमेरिड, और इसके लिए स्टूडेंट देखिए वो आपको जो वन वर्ड निकल के आएगा वो स्टूडेंट आएगा बैचलरहुड, और उसको अपन कह देंगे कुंवारापन। ठीक है, तो स्टेट ऑफ बींग अनमेरिड, और इसके लिए आ जाएगा बैचलरहुड। वैसे अपन बैचलर को बोलते हैं कुंवारा होता है, बस अपन यहाँ कुंवारापन की बात करें, मतलब बैचलरहुड की बात की जा रही है, एक स्टेट की बात की जा रही है, कंडीशंस की बात की जा रही है। ठीक है, तो स्टेट ऑफ बींग अनमेरिड, इसके लिए बैचलरहुड, कुंवारापन आपका वन वर्ड हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड वन वर्ड की। सेकेंड वन वर्ड है स्टूडेंट्स ए स्टोरी इन वर्ड्स, यानी एक स्टोरी की बात की जा रही है, गाथा की बात की जा रही है, जिसको अपन बात करने वाले हैं उसके वन वर्ड के लिए उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको कह देंगे स्टूडेंट ब्लड, BAAAD, जिसको अपन कहते हैं गाथा। ठीक है, एक स्टोरी बनाई गई है, बड़ी स्टोरी, तो उसको गाथा के रूप में अपन एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो BAAAD। उसके बाद में बात करते हैं स्टूडेंट से नेक्स्ट वन वर्ड की। तो नेक्स्ट वन वर्ड स्टूडेंट से आपका थर्ड, और वो वन स्टूडेंट देखिए ध्यान से देखिएगा, साइंस डीलिंग विथ द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल लाइक रॉकेट बॉम्ब्स एंड सेल्स। ये कह रहा है कि साइंस डीलिंग विथ द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल लाइक जैसे रॉकेट है, बॉम्ब्स है, सेल्स है, उनके लिए, तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको अपन कह देंगे स्टूडेंट्स, उनको अपन प्रक्षेपित करते हैं, रॉकेट वगैरह को लॉन्च किया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है, तो उसके लिए जो वन वर्ड आएगा वो निकल के आएगा आपका ब्लास्टिक्स, BAAAISTICS, ब्लास्टिक्स यानी प्रक्षेपित, यानी उनको प्रक्षेपित करना, वन वर्ड के रूप में यहाँ लिख दिया प्रक्षेपित। तो थर्ड जो आपका वन वर्ड है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वन वर्ड की। नेक्स्ट वन वर्ड है फोर नंबर, वन हु कांट पे द डेबिट्स। तो स्टूडेंट्स, ये अभी नेवी AA का जो एग्जाम हुआ था, अगर आपने दिया हो या आपने वीडियो देखा हो तो उसमें ये क्वेश्चन था। काफ़ी क्वेश्चन, काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन क्या है आपका, वन वर्ड क्या है, वन हु कैंट पे द डेबिट्स, जो पैसे नहीं चुका सकता, अपने डेबिट्स नहीं कर सकता, पे नहीं कर सकता, उसको क्या कहेंगे, तो स्टूडेंट्स उसको कहेंगे हम बैंकरप्ट, BANKRUPT, जिसको अपन दिवालिया भी मान सकते हैं कि उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया है। तो वन हु कांट पे द डेबिट्स, उसको कह देंगे बैंकरप्ट, BANKRUPT, दिवालिया हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर फाइव, फियर ऑफ डेप्थ्स। तो स्टूडेंट्स, इसकी मतलब हो गया फियर ऑफ डेप्थ्स, यानी गहराई का डर, जिसके किसी के बैठ जाता है कि गहराई में वो नहीं जा पाता, उसको डर लगता है गहराई में जाने के लिए, तो उसके लिए जो वन वर्ड होगा वो क्या होगा, फियर ऑफ डेप्थ्स। तो इसको स्टूडेंट कह देंगे, देखिए जैसे फोबिया जैसा होता है ना, जैसे हाइड्रोफोबिया अपन बोलते हैं, तो उसी तरह ये हो गया स्टूडेंट्स बाथूफोबिया, BATHOPHOBIA। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब हो गया गहराई का डर, ये एक फोबिया बन गया उसको डेप्थ को लेकर, गहराई को लेकर। ठीक है, तो ये आपका हो गया नंबर फाइव। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट नंबर सिक्स की। नंबर सिक्स आपकी स्क्रीन पर स्टूडेंट देखिए, कट ऑफ, कट द हेड ऑफ, सिक्स नंबर स्टूडेंट्स, कट द हेड ऑफ, और उसको क्या कहेंगे, बीहेड, यानी सिर काट लेना, कट द हेड ऑफ, बीहेड यानी वन वर्ड निकल के आ रहा है, बीहेड, कट द हेड ऑफ यानी सिर काट लेना, ये इसका वन वर्ड आ गया, कट द हेड ऑफ यानी बीहेड, BEHEAD।
उसके बाद में बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की, ए पर्सन हु फाउंड ऑफ फाइटिंग, एक ऐसा व्यक्ति जिसको लड़ाई का शौक हो, ठीक है, तो ए पर्सन हु इज फाउंड ऑफ फाइटिंग, तो उसके लिए स्टूडेंट्स जो वन वर्ड निकल के आएगा वो आएगा स्टूडेंट से, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन स्टूडेंट रिपीट हुआ है वैसे, बेलिकोस, BELLICOSE, इसका मतलब होता है लड़ाकू, जिसको लड़ने का बहुत ज़्यादा शौक हो। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन वर्ड की बात करने से पहले बोलना चाहूँगा कि अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिए, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए आपके लिए, और अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, व्यू किया आपने लाइक नहीं किया तो लाइक के कोई पैसे नहीं मिलेंगे, बट आपका लाइक कमेंट और शेयर है ना, वो हमें नए नए वीडियो जल्दी जल्दी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, और यही आपका प्यार है जिससे हम मोटिवेट रहते हैं कि हाँ बच्चों को वीडियो देना है, चाहे किसी भी कंडीशन में, चाहे हमारा कोई हेल्थ इश्यू हो, बट रेगुलर आपको मैं वीडियो दे रहा हूँ, आपको भी पता है इस चीज़ का। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं नेक्स्ट वन वर्ड की, तो नेक्स्ट वन वर्ड स्टूडेंट्स नंबर एट वन वर्ड स्टूडेंट देखिए, ए पर्सन नेशन दैट इज इन्वॉल्व्ड इन वॉर, ए पर्सन या कोई नेशन है, एक व्यक्ति या कोई देश दैट इज इन्वॉल्व्ड इन वॉर, जो युद्ध में शामिल है, इन्वॉल्व है, तो उसको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है वन वर्ड को लेकर, काफ़ी अच्छा वन वर्ड है ये बेलिग्रेंट, BELLIGRENT, और ये इसी से बेलिकोस से निकल के आया स्टूडेंट्स, इसी से ये मान लो कि इसको रेडिस्पण कर सकते हैं, तो BELLIGRENT बेलिग्रेंट यानी युद्धरत, यानी जो युद्ध में शामिल है, वो पर्सन भी हो सकता है और कोई नेशन यानी देश भी हो सकता है। उसके बाद में बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वन वर्ड की, नेक्स्ट वन वर्ड स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, नेशंस इंगेज्ड इन वार, अगर अपन बात करते हैं नेशंस की तो उसी को लेकर ये बनाया गया वन वर्ड है, उसी से कॉपी किया हुआ ये मान लीजिए आप, बट थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज है इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है कि बच्चे कंफ्यूज नहीं हो, दोनों का एक ही आएगा, बस इसमें ऐसे आगे अपन जोड़ देंगे, ठीक है, बहुवचन बढ़ा देंगे उसका। तो नेशंस इंगेज इन वॉर, काफ़ी सारे देश है वो इंगेज्ड है वॉर में, युद्ध में, तो उसको अपन बोल देंगे स्ट्रॉन्ग बेलिग्रेंट्स, BELLIGRENTS, ये डिफरेंस है स्टूडेंट्स, इसको युद्धरत बोलेंगे यानी वो भी युद्ध में शामिल है, एक ही चीज़ है, बट यहाँ पे थोड़ा सा नेशंस के लिए आया तो स्टेटमेंट चेंज था इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया गया है इंपॉर्टेंट वन वर्ड में। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट वन वर्ड नंबर 10, और ये आपका वन वर्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वन वर्ड है, विशिंग गुड थिंग फॉर अनोदर, विशिंग कर रहे हैं गुड थिंग यानी अच्छा कुछ सोच रहे हैं फॉर अनोदर, दूसरों के लिए, तो विशिंग गुड थिंग फॉर अनोदर, और उसको जो सोचने वाला होता है उस व्यक्ति को अपन बोल सकते हैं उदार व्यक्ति यानी बेनेवोलेंट, BENEVOLENT, बेनेवोलेंट, VOLENT, तो उदार व्यक्ति, उदार हृदय का व्यक्ति है वही विशिंग गुड थिंग्स सोच सकता है किसके लिए, दूसरों के लिए, अनोदर पर्सन के लिए। तो ये आपका हो गया काफ़ी इंपॉर्टेंट वन वर्ड है नंबर 10। उसके बाद में बात करते हैं नंबर 11, और नंबर 11 स्टूडेंट देखिए, टू सराउंड विथ आर्म्ड फोर्स, टू सराउंडेड SSSURROUND, सराउंड विथ आर्म्ड फोर्स, अगर उसकी बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए जो वन वर्ड निकल के आएगा वो आएगा स्टूडेंट देखिए BESIEGE, यानी मुहासरा करना, मुहासिरा करना, ठीक है, तो ये आपका वन वर्ड है, तो 11 नंबर का वन वर्ड हो गया। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट की, नंबर 12 है Engaged to be married, यानी engaged कर दिया गया टू बी मैरिड, शादी के लिए, तो engaged to be married इसके लिए वन वर्ड निकल के आएगा, वो निकल के आएगा इसमें देखिए बेथ्रोड, BETROHED, बेथ्रोड यानी मंगेतर उसकी, ठीक है, तो BETROHED, एक दो बार रिपीट कर लीजिए स्टूडेंट, टफ वर्ड है बट याद हो जाएगा आपको, तो ये आपका हो गया engaged to the married के लिए वन वर्ड निकल के आया है नंबर 12 है। उसके बाद में बात करते हैं स्टूडेंट नंबर 13, और नंबर 13 स्टूडेंट देखिए, ए ग्रेट लवर्स ऑफ बुक, जिसको बुक का काफ़ी ज़्यादा शौक हो, जो लवर हो बुक का, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, तो स्टूडेंट देखिए उसको जो वन वर्ड लिया गया उसके लिए, जो वन वर्ड क्रिएट किया गया है वो स्टूडेंट देखिए वो है बिब्लियोफाइल, BIBLIOPHILE, बिब्लियोफाइल यानी जो पुस्तक प्रेमी हो, BIBLIOPHILE, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वन वर्ड स्टूडेंट, ध्यान से देख लीजिएगा, इसको रट लीजिएगा, ये मान लीजिए ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में मिल सकता है ये, ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी जिसको बुक से बहुत ज़्यादा प्रेम हो। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 14 है एन इवेंट विच हैपन्स वंस इन 2 ईयर्स, यानी ऐसी घटना जो 2 साल में केवल एक बार ही घटित होती है उसको अपन क्या कह सकते हैं, तो स्टूडेंट इसको अपन बोलेंगे बाइलिंगुअल, BENNNIAL, BENNIAL, मैनुअल यानी द्विवार्षिक जिसको अपन बोल सकते हैं, 2 वर्ष में एक बार घटित होने वाली घटना। उसके बाद में बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट नंबर 15, और नंबर 15 स्टूडेंट देखिए
ए प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ्स और हस्बैंड एट ए टाइम, ए प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ्स यानी दो पत्नियां और हस्बैंड्स एट ए टाइम, ठीक है, एक ही समय पे अगर अपन बात करें तो दो हस्बैंड है वो दो वाइफ रख सकता है, ऐसी जो कोई प्रथा है उसके बारे में बात की जा रही है। और उस प्रथा को क्या नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया स्टूडेंट बिग में BIGAMY, बिग में तो BIGMY यानी द्विविवाह की प्रथा, ठीक है, BIGAMY। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 15। उसके बाद में बात करते हैं नंबर 16। नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या है कि वन हु इनटॉलरेंटली डिवोटेड टू ए पर्टिकुलर क्रीड, यानी ऐसा व्यक्ति जो कट्टर हो किसी चीज़ को लेकर, कि बिल्कुल उसका अपोजिट बात कर रहे हो, कट्टर हो उस चीज़ को लेकर, अपन बोलते हैं ये तो कट्टर मतलब सरकार को लेकर बात करते हैं कि ये तो कट्टर भाजपा से रिलेटेड है, बीजेपी से रिलेटेड है, कट्टर कांग्रेस ही है, तो उसी चीज़ से। तो वन हु इनटॉलरेंटली डिवोटेड टू पर्टिकुलर क्रीड, तो उसको वन वर्ड क्या नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया बिगोट, BIGOT, बिगोट यानी कट्टर वैकृत, यानी कट्टर वैकृत। तो उसके बाद में वन वर्ड है आपका नंबर 16। उसके बाद में बात करते हैं नंबर 17, यूजिंग और नोविंग टू लैंग्वेज, यानी जो दो भाषाएं जानता हो और उनका यूज भी करता हो उसे क्या कहेंगे। तो उस क्वेश्चन जैसे भी आया था यहाँ पे द्विवार्षिक के लिए आया था, वैसे ये द्विभाषिक हो जाएगा, बाइंगुल यानी दो, उसमें दोनों भाषा उसको आ रही हो, जैसे अपन बोलते हैं आपका इंग्लिश में पेपर आएगा, हिंदी में पेपर आएगा, तो बाइंगुल लैंग्वेज अपन उसको बोल सकते हैं BILINGUL, यानी द्विभाषिक, यानी दो दोनों भाषाओं में आपको मिल जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट नंबर आपका 18, लाइफ ऑफ पर्सन रिटन बाई समवन एल्स, यानी किसी भी व्यक्ति की लाइफ के बारे में अगर लिखा जाता है किसी के द्वारा तो उसे क्या कहते हैं। इसे स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका वन वर्ड है, नंबर 18 इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको, वैसे सारे सिलेक्टेड वन वर्ड है। तो इसको स्टूडेंट बोलेंगे बायोग्राफी, किसी व्यक्ति की बायोग्राफी यानी उसकी जीवनी, वो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है तो उसको बायोग्राफी बोलते हैं। उसके बाद देखिए इसी से रिलेटेड हो गया नंबर 19, वन हु स्टडीज द साइंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, यानी एक व्यक्ति, ये थोड़ा सा प्लांट्स के लिए आएगा, ये आपका जीवन मतलब जो लाइफ बायोग्राफी है, लाइफ के बारे में लिखा गया है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो ये बायोग्राफी होगी। बट यहाँ पे थोड़ा सा देखिए नंबर 19 में वन हु स्टडीज द साइंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, यानी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन कर रहा है उसको क्या कहेंगे, उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा जो एनिमल्स का और प्लांट्स का स्टडी कर रहा है, तो उसको बोलेंगे स्टूडेंट्स बायोलॉजिस्ट, BIOLOGIST, यानी जो जीव विज्ञानी है, यानी जीव जंतुओं के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ाई कर रहा है उसको बायोलॉजिस्ट बोलेंगे। उसके बाद में बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका इसी से बिलोंगिंग आ जाएगा नंबर 20, जो इसी से बनता है, तो दोनों को एक तरीके से आप याद कर सकते हो एक दूसरे को रिलेट करके, द साइंस दैट स्टडीज लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे जीव जंतुओं के बारे में जो लिविंग है, LIVING ऑर्गेनाइज्म, यानी ऐसी स्टडी जिसमें अपन जीव जंतुओं के बारे में, प्राणियों के बारे में स्टडी कर रहे हैं उसको बोलेंगे स्टूडेंट्स बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, बायोलॉजी जीव विज्ञान, जो इसकी स्टडी करता है उसको बोल देंगे बायोलॉजिस्ट। तो ये आपका 19 और 20 दोनों ही जो आपके वन वर्ड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो में आपको 20 इंपॉर्टेंट वन वर्ड करवाए, आपको इनको जरूर से जरूर याद कर लेना है नेक्स्ट एग्जाम में, चाहे SSR हो आपका, एक्स ग्रुप हो या वाई ग्रुप या कोस्ट गार्ड हो, उन एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं स्टूडेंट्स एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।